नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। कहा जा सकता है पटना एसएसपी के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है और 24 थाने के थानेदारों को बदल दिया गया है। इसको अपराध रोकने के लिए ये बड़ा कदम बताया जा सकता है, लेकिन देखने वाली बात है कि जो तबादला किया गया है इससे कितना अपराध में अपराधी रुक पाते हैं, अपराध कम हो पाता है। जो थानेदारों का जो तबादला किया गया, जो थानेदारों को इधर से उधर किया गया है, ये अपराध को कहीं ना कहीं रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो एसएसपी है पटना जिला में जो तबादला किया गया है, हम आपको बताते चले, जो थानेदारों का तबादला हुआ है, जो पहले जो धर्मेंद्र कुमार थाना अध्यक्ष पुनपुन थे, उन्हें थाना अध्यक्ष पालीगंज बनाया गया है। उत्तम कुमार जो थाना अध्यक्ष शाहपुर के थे, उन्हें शाहपुर में भी है। राजीव रंजन सिंह थाना अध्यक्ष अथमल गोला में थे, उन्हें दीदारगंज थाना अध्यक्ष बनाया गया है। पिंकी प्रसाद जो कृष्णा पुरी में थाना अध्यक्ष, उन्हें बुद्धा कॉलोनी बनाया गया है। बिमलेंदु कुमार थाना अध्यक्ष थे कदम कुआ में, उन्हें थाना अध्यक्ष पाटलिपुत्रम बनाया गया है। प्रभा कुमारी थाना अध्यक्ष नेवरा में थे, उन्हें थाना अध्यक्ष महिला थाना में उन्हें भेजा गया है। नागमणि जी जो शास्त्री नगर में थे, उन्हें थाना अध्यक्ष सुल्तानगंज में उन्हें भेजा गया है। कुंदन कुमार सिंह जो ERSS में थाना अध्यक्ष, उन्हें कदम कुआं में भेजा गया है। उन्हें सुमन कुमार जो थे, उन्हें कंकड़बाग में, उन्हें थाना अध्यक्ष रामकृष्ण नगर में बनाया गया है। जो सत्येंद्र कुमार थाना अध्यक्ष धनरुआ में थे, उन्हें थाना अध्यक्ष माल सलामी भेजा गया है। जो धर्मेंद्र कुमार थाना अध्यक्ष मेंदीगंज में थे, उन्हें थाना अध्यक्ष शास्त्री नगर बनाया गया है। अनिरुद्ध कुमार जो थाना अध्यक्ष घोषवारी में थे, उन्हें थाना अध्यक्ष चौक में बनाया गया है। उसी तरीके से श्रीकांत कुमार को जो जक्कनपुर में थे, उन्हें थाना अध्यक्ष मेंदीगंज में बनाया गया है। और जो विजय कुमार गुप्ता थे थाना अध्यक्ष पालीगंज, उन्हें पुलिस केंद्र मुख्यालय भेजा गया है। उसी तरह थाना अध्यक्ष जो दीदारगंज थे, उन्हें भी मुख्यालय भेजा गया। थाना अध्यक्ष बुद्धा कॉलोनी, उन्हें पुलिस केंद्र भेजा गया। थाना अध्यक्ष पाटलिपुत्र पुलिस केंद्र में भेजा गया। थाना जो भी थाना अध्यक्ष महिला गए थे, उन्हें पुलिस केंद्र भेजा गया। शेर सिंह यादव थाना अध्यक्ष सुल्तानगंज के थे, उसे पुलिस केंद्र भेजा गया। जहांगीर आलम खान जो थाना अध्यक्ष रामकृष्ण नगर में थे, उन्हें पुलिस केंद्र भेजा गया है। जो प्रमोद कुमार थाना अध्यक्ष मालसलामी थे, उन्हें पुलिस केंद्र भेजा गया है। रामा शंकर सिंह जो थाना अध्यक्ष शास्त्री नगर में थे, उसे पुलिस केंद्र भेजा गया है। गौरी शंकर गुप्ता थाना अध्यक्ष चौक थे, पुलिस केंद्र भेजा गया है। विजय कुमार गुप्ता थाना अध्यक्ष पालीगंज थे, उन्हें पुलिस केंद्र भेजा गया। कहीं न कहीं ये अपराध रोकने के लिए जो कदम, जो तबादला, जो थानेदार को जो इधर से उधर किया गया है, इसको देखने वाली बात होगा है कि पटना जिला में कहाँ तक अपराध रुक पाती है। इस तरह के तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।